हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। घर से कॉलेज के लिए निकलते वक्त गायब हुई छात्रा की बरामदगी न होने से नाराज परिजनों ने आज बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस का घेराव कर डाला। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि दो लोगों ने उनकी युवती का अपहरण कर लिया, जबकि पुलिस मामले में अब तक सिर्फ एक ही युवक की गिरफ्तारी कर सकी है और अभी तक पुलिस युवती को बरामद नहीं कर पाई। एसएसपी ऑफिस में धरना दे रहे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये उस छात्रा के परिजन हैं जो आज से दो दिन पहले घर से कॉलेज के लिए तो निकली थी, मगर उसके बाद छात्रा वापस घर नहीं लौटी। मेरी सिस्टर अगवा कर ली है आसिफ और उसने सानेबाद लड़के ने। कौन है ये, कहाँ के हैं, क्या पूरा मामला है? फैसलाबाद के लड़के हैं ये आसिफ, और वो सानेबाज वो लेके गए मेरी बहन को। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। कितनी तारीख को लेकर? 3 तारीख में, और 12:15 बजे का टाइम है, टाइमिंग भी मेरे को पता है। थाने में गए थे आप? थाने में अपनी वहाँ पे गए, मंडी में गए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोल दिया कि नगर कोतवाली जाओ, नगर कोतवाली गए, उन्होंने बोला देहात कोतवाली जाओ, देहात कोतवाली से गए, फिर वहाँ पे बोला नगर कोतवाली जाओ। ऐसे घुमा रहे 3 दिन हमें, ऐसे घुमाते हुए कुछ हुआ नहीं यार। पीड़ित परिवार की माने तो उनकी युवती का दो दबंगों ने जबरन अपहरण किया, जबकि शिकायत के बाद भी पुलिस अब तक सिर्फ एक ही आरोपी को बरामद कर पाई है और आज तक भी युवती को बरामद नहीं कर सकी, जिससे नाराज परिजनों ने आज एसएसपी ऑफिस का घेराव कर डाला। एक 20 वर्षीय युवती है जो बीए में पढ़ती है, वो विद्यालय गई थी, वहां से किसी के साथ भाग गई और घर वालों ने दो नामित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था, उनमें से एक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अपहर्ता की तलाश की जा रही है, स्वाट टीम को भी इसमें लगा दिया गया है और बहुत शीघ्र ही हम उसकी बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहती है तो तदनुसार कार्रवाई होगी, और अगर उसे बलपूर्वक या डरा धमका के ले जाया गया होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या जो पीड़ित परिवार ने किसी का नाम उजागर किया है, जिसके पीछे कुछ नीति आ रही निकल गई? नहीं, दो लोगों को नामजद किया है और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कथित रूप से वो कोई अवैध पत्रकार बताया जा रहा है, जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया जा चुका है, जबकि पुलिस युवती को जल्द बरामद कर आगे की कार्रवाई करने का भी दावा कर रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।